हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आपने मेरा ये तीसरा वीडियो होने वाला है जो हैम वर्सेस सोम के बीच में होने वाला है, अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा हुआ है जो किट और ईस के बीच में होने वाला है, तो उसके सारे एनालिसिस दे दिया है। साथ ही साथ में मैंने इनको सूर वर्सेज GLA का भी दे दिया होता है। और अपकमिंग वीडियोज़ क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए, जो मैं आपको लेके आऊँगा वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका का टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और अगर आपको चाहिए तो फिर इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड का वुमेन सीरीज़ का T20 सीरीज़ का भी मैं आपको ला के दे सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और सब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पुराने भी हैं जो देख रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। और सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पहले जाइए, लिंक यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप उसे पहले जाके ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। वहाँ पे मैं आपको अगर यहाँ से एनालिसिस करने में आपको भी देता है कितने सारे टीम्स होते हैं यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए, तो उस वजह से मैं थोड़ा की प्लेयर्स और वाइस कैप्टन और कैप्टन इतना अच्छा वीडियो में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जो टीम मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ के साथ, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफाई कर देता हूँ। कोई भी प्लेयर्स के बारे में कैप्टन वाइस कैप्टन चेंजेस कर सकते हो आप वहाँ पे, तो वो सारी मैं चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। तो आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर विन करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे नए प्लेयर आए हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है इस टीम की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, जो हैम जो फर्स्ट पोजीशन पे और क्वालिफाई हो चुके हैं, और सोम जो फोर्थ पोजीशन पे, तो ये क्वालिफाई होने नहीं वाले। तो आप उस तरह से आपको एक थोड़ा एनालिसिस मिल जाएगा कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है हैम, और सोमरथ भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे इस बार। तो देखते हैं अभी वेन्यू होने वाला है साउथ टेम्पोर्ट में, जून में होने वाला है इंडिया में 6:30 के आसपास होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, और लोकल टाइम होगा 2 PM, तो 6:30 यानी कि 5:30 के आसपास ये बंद हो जाएगा, तो आप उसके पहले ये कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे डीप न्यूज़ की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सब के लिए। अगर आपने इस न्यूज़ को नहीं देखा तो आपने इस लीग को आपने हार गए, तो यही समझ के चलना आपने अगर तो न्यूज़ नहीं देखा तो। अब बात कर लेते हैं हैम वर्सेस सोम की तरफ से, तो यहाँ पे जो होने वाला है डेंस टैलेंट, जो ये आज के मैच में आपको डेब्यू करते हुए नजर आ जाएंगे हैम की तरफ से, तो ये एक बड़ा चेंज हो सकता है। डेंस टैलेंट को आप ले सकते हो और एक उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे गए तो आपको एक अच्छी खासी विनिंग्स भी करके दे सकते हैं। बात करते हैं डाउनस्टन, जो ये दूसरा न्यूज़ है, तो डाउनस्टन ये एक उन्होंने अपना अभी तक 50 ओवर्स कंप्लीट कर लिया है हैम की तरफ से, तो ये अच्छी खासी बॉलिंग आप देख सकते हो, इनको 50 ओवर्स दिया, इसका मतलब उन्होंने अच्छी खासी इफेक्टिव बॉलिंग की होगी। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं टॉप न्यूज़ की, जहाँ पे आपको तीसरा न्यूज़ मिल जाएगा। यहाँ पे डॉम बीस जो इंटरनेशनल ड्यूटी पे गए थे तो वापस आ गए, तो सोम के साथ खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पे। फिर यहाँ से बात कर लेते हैं जो प्लेयर्स मुझे डाउटफुल लगते हैं, वो जैक ब्लीच है, टॉम है और फिर टीम है, ये तीनों भी प्लेयर्स मुझे डाउटफुल लगते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा अपने रिस्क के हिसाब से लीजिएगा तो ही आपको फ़ायदा हो सकता है, वरना फिर यहाँ पे जो मैंने दो प्लेयर्स आपको बता दिया डॉम बीस, ये इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं, जो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं और यहाँ पे बॉलिंग में आपको दे देंगे, और डेंस टैलेंट ये जो डेब्यू करने वाले ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर यहाँ से हम टॉमस्टन को भी ले सकते हो, अच्छी खासी वो इफेक्टिव बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बाकी सारे जो प्लेयर्स मुझे लगते हैं थोड़े डाउटफुल है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब चलते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। तो यहाँ पे विकेट कीपर में आपको मिल जाएंगे मैक मैनिस, फिर यहाँ से मिल जाएंगे रॉसो विंस, फिर वेरली, फिर पेलो, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है जो एलोप्स और एडम्स हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस रिस्की हो सकते हैं, तो आप इन्हें मत पिक कीजिएगा, तो थोड़ा से पिक कीजिए तो अच्छा खासा विन कर सकते हो। ऑलराउंडर में आपको मिल जाएंगे बर्ग और इवरिन, तो ये दोनों भी ऑप्शन आपके पास है ऑलराउंडर की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की तरफ से, जो आपको मिल जाएंगे स्टीवन मिल जाएंगे, टॉपली मिल जाएंगे और क्रीन, तो ये बाकी सारे मुझे डाउटफुल लगते हैं। यहाँ से डॉस्टन आ सकते हैं, अपना डेब्यू कर सकते हैं, वुड भी हो सकते हैं विल की तरफ से, अगर आप डॉमसन को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो उन्हें। अगर कोई भी रिपोर्ट्स अगर मुझे कंफर्म मिल जाती है तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। अब बात कर लेते हैं सोम के प्लेइंग 11 के बारे में, जहाँ पे आपको विकेट कीपर मिल जाएंगे डेविस, फिर यहाँ से मिल जाएंगे बैट्समैन हेल्ड्रेट, फिर मैकब्रग, फिर हैंडशाव, ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे बैट्समैन की तरफ से। ऑलराउंडर्स में आपको मिल जाएंगे विडी, फिर यहाँ से मिल जाएंगे ट्रिगो और फिर यहाँ से मिल जाएंगे गिरगो,
तो ये आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस ऑलराउंडर की तरफ से। यहाँ पे आपको बॉलर्स में आपको मिल जाएंगे टॉमी बीज है, यहाँ पे ओवरटर्न है, फिर यहाँ पे थोड़े डाउटफुल है जो मैंने आपको बता दिया, ओवरटर्न है, मिक्रेन है और फिर ग्रीन वॉलकर, ये सारे आपको डाउटफुल प्लेयर्स में जो लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इनका कोई टीम अगर ये क्या बोलते हैं थोड़ा ट्राई करना चाहे न्यू प्लेयर्स का तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा एट दी एंड, दो तीन घंटे पहले आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी की प्लेयर्स की तरफ से भी और कौन से प्लेयर खेलने वाले नहीं खेलने वाले। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप इस चैनल को पूरा देखते रहे, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, तो आपको अच्छी खासी यहाँ से एक स्क्वाड दिया हुआ है एनालिसिस जो आपको देख सकते हो। तो यहाँ से आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो कौन से प्लेयर्स है उनके पास ऑप्शंस में। अब बात कर लेते हैं हैम के की प्लेयर्स की तरफ से, ये जो मुझे अभी तक पूरा एनालिसिस नहीं किया हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट 80% हो चुका है, तो उस वजह से मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। विदरली है, रोसोव है, विंस है, ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, तो इस वजह से अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। क्रेन है, बर्ग है, ये अच्छे खासे बॉलर्स हैं जिन्होंने अभी तक 10 और 12 विकेट्स लिए हुए हैं, तो ये अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से सोम की तरफ से आपको मिल जाएंगे हेड्रेट ऑट्रिको, ये अच्छे खासे लीडिंग रन है सोम की तरफ से, और यहाँ से ओवरटर्न है, और यहाँ से गोर्गी वर्ल्ड है, ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक अच्छे परफॉर्मेंस हो सकते हैं यहाँ पे की प्लेयर्स की तरफ से। तो अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो अब चलते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ड्रीम इलेवन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टीम बनाई है आपके लिए, तो आप एडिट करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे विकेट कीपर के ऑप्शन के पास है, आप स्टीवन को ले सकते हो या फिर आप लुइस के साथ भी आप जा सकते हो, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, तो आप इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गया हूँ स्टीवन के साथ, तो ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो, दोनों भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप इनमें दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटिंग के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको आशिम अमला नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, तो हम फिर हिम्मत पे कीजिएगा। रोसोव एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जेम्स हेडेट एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो यहाँ से आप इन दोनों को पिक कर सकते हो। ये भी नहीं खेल, मार्कस नहीं खेलने वाले, मैथ रनसम का भी डाउटफुल है, तो ये भी नहीं खेलेंगे आपके साथ। फिर यहाँ से मैंने लिया हुआ है जेम्स विंसी को, फिर ये अच्छे एक परफॉर्मेंस अच्छी खासी देते हुए आ रहे हैं। सीन भी नहीं खेलने वाले, सैम नॉर्थसिद भी नहीं खेलेंगे। फिर यहाँ से मैंने लिया हुआ है जोई को लिया हुआ है विदर ली को, फिर यहाँ से आप ले सकते हो जोनहान को माइब्रग, फिर यहाँ से टॉम बेल ये भी नहीं खेलने वाले, जेमी एडम्स ये थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से टॉम एल्सवर्थ ये भी थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं, फिर और कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पे, बस ये सारे भी डाउटफुल हो सकते हैं, तो आप इन्हें मत पिक कीजिएगा, इतना सेफ नहीं है। तो आप जितने मैंने आपको सेफ बताया उनमें से आप पिक कर सकते हो। तो यहाँ से मैं गया हूँ, यहाँ से ऑलराउंडर का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पीटर ट्रिगो है, फिर यहाँ से लुविस है, फिर यहाँ से बर्ग है, तो ये तीन ऑप्शन मैंने यहाँ से लिया हुआ है। तो ये वाला जो ऑलराउंडर है डॉमसन, ये डेब्यू करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको अगर इस मैच में, तो आप इन्हें एक पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कितने लोगों ने यहाँ पे पिक किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों ने पिक किया हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक टीम में ज़रूर इनको लीजिए डॉमसन को, तो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अभी तक इन्होंने तो परफॉर्मेंस देखा नहीं है तो किसी ने, तो आप काम कर सकते हो, आप लुविस को हटा के या फिर डॉमसन को ले सकते हो, कुछ ऐसा भी कुछ कर सकते हो अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पाते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एक क्रेडिट डाउन कर लो, लुविस को ले लो, फिर यहाँ से आप ऑलराउंडर को अच्छे खासे परफॉर्मेंस ले सकते हो यहाँ से डॉमसन को, तो ये एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, तो आप उस तरह से भी जा सकते हो। यहाँ से मैंने लिया हुआ है ओवरटन के साथ, फिर यहाँ से टॉपली के साथ, ये दोनों सेफ ऑप्शंस हैं। और यहाँ से मैं गया हूँ एक न्यू प्लेयर है डॉमी बीज, जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने अपने पिछले मैचेस में, तो अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स देके जा सकते हो, न्यू प्लेयर है, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कितने लोगों ने लिया, यहाँ पे भी सिर्फ 4 लोगों ने लिया, लेकिन सिर्फ 4% लोगों को पता है कि ये खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला, तो ये एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो मैंने इनको पिक किया हुआ है, तो आप चाहे तो और ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जाके वहाँ से पिक कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने कैप्टन रखा हुआ है ट्रिगो रखा हुआ है, और यहाँ से मैंने बर्ग को रखा हुआ है, तो ये दोनों भी ऑलराउंडर से परफॉर्मेंस है, एटलीस्ट 1-2 विकेट निकाले और थोड़े 30-50 रन मार जाए, आई मीन 50-60 रन भी मार जाए, तो अच्छी खासी ये हो सकते हैं आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन, रोसोव को रख सकते हैं, विंस को रख सकते हैं, विदरली है, फिर यहाँ से आप जेम्स को भी रख सकते हो, ट्रिगो को है, बर्ग है,
फिर ऐसे आप डोमी बीस को भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, वैसे वाइस कैप्टन आप ट्राई करो, कैप्टन मत ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप इनमें से पिक कर सकते हो। ये ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको यहाँ पे, कैसे आप चूज़ कर सकते हो, और बाकी के जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे जो लगेंगे तो मैं आपको 2-3 आज पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। तो सबसे पहले जाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो तो आप पहले जाइए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है कि क्यों बुरा लगा, तो उस वजह का भी मुझे रीज़न बता दे, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके दिखाऊंगा। तो ये इतना इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।